गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज थोड़ा सा सैड हो गया आपका भाई ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा है। क्यों? चलो आओ यहाँ मेरे साथ, क्योंकि ये जो नन्ना सा शहजादा है ना हमारा हस्की डॉग जो हमने लिया था, 3 दिन हो गए मेरे पास ही है ये। बड़ा प्यार से मैंने इसको लिया था और है भी ये बहुत महंगी चीज, मतलब बड़े मुश्किल से लिया था जमा कर करके पैसे, क्योंकि ये है डॉग मेरा ना फेवरेट, मतलब बहुत ज्यादा टेम हो गया मेरे साथ, खेलम खेल करता ही। देखो ये देखो अभी खाना पीना देता था, एक रूटीन बन गई थी मेरी, और उसके साथ खेलते नहीं तो मतलब दिन नहीं गुजरता था, ऐसा लग रहा है। नया नया कुत्ता किसी के साथ भी इतना ज्यादा वो नहीं हो जाता, घुल मिल नहीं जाता, परेशान हो जाता है, बल्कि बैठ के नीचे छुप जाता है। और ये इसके अभी तुम लोग खेल देखोगे ना, तुम लोग बोलोगे यार नहीं यार बार भाई अभी इसको 3 दिन नहीं हुआ, बल्कि इसको महीना हो गया मेरे पास। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और तुम लोग को भी एक झटका लगने वाला है कि ये जो मैंने डॉग लिया है ये मैं अब फार्म पे रखवा रहा हूँ और सेल होने के लिए रखवा रहा हूँ। यार तू रह पाएगा मेरे बगैर है, एक दिल लगी हो गई थी यार इसके साथ। नहीं यार नहीं, दिल चाह रहा मेरा इसको मैं काट क्यों रहा है यार, इसके साथ पता लग गया है। मेरा तो दिल था कि मैं इसको रखूंगा पालूंगा, लेकिन मेरे घर में है बिल्लियां, मैं अपने घर में तो उसको रख नहीं सकता, कितने प्यार से ले लिया। इसके साथ जो खेलने में मजा आता है ना, मतलब बहुत सारी हम लोग की सबकी मेमोरीज है इसके साथ। हमने इसके साथ खेला गुजारा, दिन घूमने गए, टहल पे लेके गए, खेलने के मूड में है ये अभी भी है। अभी देखो खेले मैक्स, हमने इसका नाम रख दिया था प्यारा सा, अपनी दुनिया में मगन सा है, और मतलब अच्छा लगता है यार इसके साथ खेलने में। ये बोलता है मेरे साथ फुल टाइम खेलते रहो, बिल्कुल बच्चों की तरह गोद में ले लो इसको। हाँ तुम भी माँ बन जाओ उसकी है। ये देखो शक्ल भी सेम है बिल्कुल, बस आंखें कलर उसकी ये चेंज है। देखो आंखें कितनी प्यारी है उसकी, लेकिन तुम्हारी आंखें दिखाओ। आई हाई देखो यार कितना प्यारा क्यूट सा लग रहा है यार, मतलब। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते इसका, तो सेल करना पड़ेगा। बिल्लियां भी हैं घर में और ये भी है, तो अब दोनों में से एक चीज का डिसाइड ये हुआ है। घर वालों ने भी बोला है कि इसको बेच दो, क्योंकि घर में अगर इसको रख भी लिया ये बहुत शोर करता है, बहुत ज्यादा शोर करता है। तुम लोग को लग रहा है अभी तुम लोगों ने इसको शोर करते हुए देखा नहीं है, लेकिन अब ये जहाँ फार्म वगैरह में जाएगा वहाँ पे इसको रखा जाएगा, प्रॉपर तरीके से खाना दिया जाएगा। इसके साथ हाइड एंड सीक खेलते। मैक्स कहाँ गया? मैक्स वो ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। मैक्स ढूंढ रहा है, अभी भी इसको मैं मिला नहीं हूँ। मैक्स देख लिया क्या? देख लिया, मेरे ख्याल देख लिया इसने। डर गया। अबे भाई 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 पीछे ही लग गया है। भागो भाई भागो 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 भागो। देखो देखो बस इसी तरह इसके साथ खेलना होता है हमें। और एक वजह इसको बेचने की ये भी है कि हमारे इस्लाम में नहीं है कि कुत्ता रख सकते हैं घर पे, तो हम फार्म वगैरह में रखवाएंगे इसको। अगर बिक जाता है तो ठीक है, वरना फार्म में ही रहेगा। मैं इससे मिलने जाऊंगा हफ्तों बाद, या हो सकता है महीने बाद, महीने में कभी एक दफा, बस यही हो सकता है, और तो क्या कर सकते हैं हम। ये कुछ मेमोरी है हमारी इसके साथ, जो हमने खेला कूदा 3 दिनों में, जो भी हुआ इसने रहा, तो वो तुम लोग जब तक एंजॉय करो। अब टाइम आ गया इसको अलविदा करने का। फाइनली यार इसको लेके निकल चुके हैं, और ये देखो कितने मजे से बैठा हुआ है पैसेंजर सीट पे मेरे बराबर में। बस यार कुछ आखिरी लम्हे हैं इसके साथ ये गाड़ी में, उसके बाद तो पता नहीं ये कब दिखेगा। हाँ बड़ा दूर का सफर है इसको लेके जाना है हमें। अभी मुझे लग रहा है सैड हो गया यार, वरना तुम लोगों ने देखा था वीडियो में। अमर भाई आप रखो अपने फार्म हाउस पे, इसका बहुत ख्याल रखना, इससे मिलेंगे इंशाल्लाह हम बहुत जल्द।
भाई तुम लोग को ये क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है ये बकरी का बच्चा, लेकिन ये है हिरन का बच्चा, और पीछे वो शोर कर रहा है मैक्स। हमने उसका नाम भी रख दिया है अमर भाई, मैक्स। हाँ, हिरन का बच्चा। भाई क्या हो गया उसको, मैक्स को? ये है भाई इसकी चीखें जो तुम लोग को अभी तक नहीं सुनने को मिली होंगी। देख रहे हो तुम लोग, पूरा गली में आवाज गूंज रही है इसकी। मैक्स को अलविदा कह के निकल गए, पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं अभी, और अब जा रहे हैं यार घर। मतलब यहाँ पे अभी बैठा हुआ था और अब नहीं है साथ। अजीब सा लग रहा है यार। घर आ चुका हूँ भाई। अब ये है कि बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा घर में, मैक्स नहीं ना। हाँ भाई, खुश हो आप तुम दोनों? छोड़ के आ गया हूँ मैं मैक्स को, तुम लोग की वजह से सिर्फ और सिर्फ। ये तो यार अपनी है यार, इनको तो बहुत पहले से लिया हुआ है, जब से ये बिल्कुल छोटी छोटी थी। इनको तो कभी नहीं बेचूंगा मैं, तंग भी नहीं करती शोर शराबा। अच्छा सो जाओ यार, मजाक। और ये वाली तो भाई पूरा टाइम निकली नहीं बेड के नीचे से, इतनी डर गई थी ये मैक्स से। बाकी आज की वीडियो थोड़ी सी सैड सैड टाइप सी हो गई, लेकिन खैर यार चलता है। और वैम्पायर एक्स्ट्रा जो चैनल है जहाँ पे तुम वीडियो देख रहे हो, ये भी मेरा ही चैनल है भाई, सेकंड चैनल है। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं यहाँ पे भी व्लॉग्स स्टार्ट कर दूँ, हाँ या ना, बस कमेंट में बता देना। चैलेंजेस वीडियो वैम्पायर वाईटी पे आएंगी, इधर आएंगे व्लॉग्स। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोगों ने नहीं किया है, 100K करवा दो जल्दी से, ताकि इसका एक और जुड़वा भाई आ जाए। वैम्पायर वाईटी पे भी मिलियन होने वाले हैं माशाल्लाह से। फिर ऐसा गोल्डन प्ले बटन आएगा, मैक्स भी चला गया यार। चलो यार इसी के साथ इस व्लॉग को लगाते हैं फुल स्टॉप। लाइक कर देना व्लॉग को। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। चलो स्टार्ट हो।